Now just pause the video, read the question carefully, try to solve this question by yourself, and then play the video. So this question is multiple choice question where one or more than one option is correct. अब यहाँ पे चार options दिए हैं, हम लोग को check करना पड़ेगा कि इसमें से कौन से option सही है और correct है. तो देखते इस question को कैसे solve करना और क्या दिया हुआ है. अब ये figure है, यहाँ पे दोनों जगह पे friction है. तो let's say the normal force here is N1 और यहाँ पे normal force रहता है N2. N1 force which is varying with time t as 2 into t. और यहाँ पे चार options दिए जिसमें हम लोग को पूछा है force of friction between 2 kg and 4 kg and then 4 kg and ground at different times. अब ऐसे question को solve करने के लिए पहले इस question को मुझे analyze करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे 2 kg and 4 kg block है. अब N1 की value यहाँ पे कितनी होगी. अब यहाँ पे 2 kg and 4 kg का पहले मुझे FBD draw करना पड़ेगा. So 2 kg ये block है. अब इसके ऊपर एक फोर्स है N1 अपवर्ड और MG विच इज 20 डाउनवर्ड. अब यहाँ पे N1 की वैल्यू हो गई 20. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा एफ मैक्स बिटवीन 2 kg एंड 4 kg, लेट्स से एफ मैक्स 1 इज इक्वल टू 0.4 × 20, दैट इज μs इंटू N विच इज 8 N. वेर एज एफ काइनेटिक बिटवीन 2 and 4 इज गोइंग टू बी 0.2 × 20 विच इज 4 N. अब सिमिलरली आप यहां पे कैलकुलेट करोगे तो यहां पे एफ मैक्स 2 इसकी वैल्यू आएगी म्यू एस विच इज 0.6 इंटू नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहां पे आएगी 4 + 2 = 60. तो 60 जब होगा दैट इज इक्वल टू 36 N. और यहां पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 0.4 × 60 विच इज 24 N. अब मैं जब 4 kg का FBD ड्रॉ करता हूँ तो ये हो गया मेरा 4 kg ब्लॉक एंड 4 kg के ऊपर जो फोर्स लग रहा है विच इज 2 × t. अब इसको अपोज करने वाले दो फ्रिक्शन है, एक है ये वाला फ्रिक्शन विच इज लेट्स से F2 और ये वाला ऊपर वाला फ्रिक्शन विच इज F1. अब पहले तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू थी 36 N. तो 4 kg ब्लॉक को मूव करने के लिए दिस फोर्स F शुड बी फर्स्ट ग्रेटर देन 36. सो यहां पे जो टाइम होगा द टाइम शुड बी ग्रेटर देन 18 seconds. अब 18 seconds के बाद ही ये 4 kg ब्लॉक मूव करना चालू करेगा बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ 2t शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन 4 kg एंड ग्राउंड. और जब तक 4 kg मूव करना चालू नहीं करेगा तब तक 2 kg रेस्ट पे होगा और उसके अंदर की जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी इज गोइंग टू बी 0. तो यहाँ पे देखो टाइम इक्वल टू 1 सेकंड. अब 1 सेकंड पे अब जब फोर्स 2 N होगा तो 4 kg मूव नहीं करेगा. अब 4 kg मूव नहीं करेगा द फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg इज गोइंग टू बी 0. सो माई फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, माई सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट विच इज 0. एट टाइम इक्वल टू 4 सेकंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg एंड ग्राउंड पूछा है. अब यहाँ पे जैसे ही मेरा फोर्स 8 N होगा दैट इज एट टाइम इक्वल टू 4 सेकंड इट इज 8 N फोर्स. अब जैसे ही फोर्स 8 N होता है माई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन इज 36 N. सो दिस माई एफ मैक्स विच इज 36. सो दिस 4 kg डजंट मूव. इफ दिस डजंट मूव then the value of friction is going to be 8 N because it's going to be my static friction whereas static friction is variable friction. So yahan pe the 4 kg and ground ke andar jo friction hoga it is going to be 8 N. So my option C is also correct. Ab yahan pe time t equal to 15 seconds pe yahan pe jo force hoga is going to be 30 N which is again less than 36 N. To is case mein bhi body move nahi karega. To yahan pe bhi body move nahi kar raha hai. So the acceleration of 4 kg is 0. So the acceleration of 2 kg is also 0. तो यहां पे दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. तो यहां पे द करेक्ट ऑप्शन आर B and C.